हाय एवरीवन, मैं हूं स्वाति। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आप सब अच्छे होंगे, सब अपने अपने ध्यान खुद रख रहे होंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्पेशल डे मेकअप लुक। कोई भी स्पेशल डे हो आपकी, जैसे आपकी डेट नाइट हो या फिर कोई भी स्पेशल डे हो, इसमें आप कैसे रेडी हो सकते हो, कैसे आप अच्छे दिख सकते हो, कैसे मेकअप कर सकते हो, कैसे आउटफिट आप चूज कर सकते हो, एवरीथिंग जो है इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आई होप वीडियो आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। तो वीडियो को जो है फास्ट से लास्ट तक जरूर देख ले। एंड इस वीडियो में बेसिकली मैंने ये वाले मेकअप लुक कैसे क्रिएट किया है एवरीथिंग इस वीडियो में शेयर करूंगी। मेरे आउटफिट के बारे में आपके साथ शेयर करूंगी एंड कैसे कैसे मैंने उसको स्टाइल की है, जो कि ये बेसिकली एक समर ड्रेस है। समर ड्रेस को बेसिकली अभी जो है समर चल रही है, तो समर में आप कैसे स्टाइल कर सकते हो, कैसे अच्छी दिख सकते हो आपकी स्पेशल डे में, एवरीथिंग इस वीडियो में शेयर करूंगी। आई होप वीडियो आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक करना मत भूलिए, शेयर करें अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए जल्दी से फटाफट से देखते हैं हमारी। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे मेकअप से। तो मैं यहाँ पे टोनर एंड मॉइस्चराइजर जो है वो ऑलरेडी अप्लाई कर चुकी हूँ। उसके बाद हम अप्लाई करेंगे प्राइमर, जो कि पर्पल का प्राइमर है, जो यहाँ पे हमारे ओपन पोर्स है वहां पे हम अप्लाई कर देंगे प्राइमर। बिफोर फाउंडेशन हमेशा प्राइमर जो है जरूर अप्लाई किया कीजिए। उससे क्या होती है, हमारी पोर्स के अंदर जो है फाउंडेशन नहीं जाती है। उससे क्या होता है, हमारी हमें जो है पिंपल्स नहीं होती है, एक्ने नहीं होती है। सब चीजें जो है बहुत जरूरी है। तो ओपन पोर्स जहाँ पे है वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो एंड आपकी आईलिड के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि उसमें हम बहुत सारे आई शैडो वगैरह अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे अप्लाई करना भी जरूरी है। उससे क्या होती है, आपकी जो फाउंडेशन ब्लेंड करोगे ना, बहुत इजीली ब्लेंड हो जाती है प्राइमर की वजह से। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको पसंद है वो प्राइमर आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद हम अप्लाई करेंगे फाउंडेशन, जो ये है मेबलिन फिट मी की फाउंडेशन है, जो कि मैट पोरलेस फाउंडेशन। उसको लेके डॉट डॉट करके ऑल ओवर फेस एंड नेक में हम अप्लाई कर देंगे। ऐसा नहीं कि मेकअप जब आप अप्लाई करते हो ओनली फेस में अप्लाई कर लिए, नेक को अवॉइड कर लिए, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। हमेशा जो है नेक के में भी आप अप्लाई कीजिएगा, वरना आपकी फेस एंड आपकी नेक दोनों की कलर जो है चेंज हो जाएगी। तो हमेशा जो है नेक में भी अप्लाई करना जरूरी होती है। देन एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से जो है हम ब्लेंड कर देंगे हमारी फाउंडेशन को। एंड हमेशा जो है आपकी जो ब्यूटी ब्लेंडर है वो हमेशा क्लीन होनी चाहिए। जब भी आप मेकअप करो क्लीन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड फाउंडेशन जो है एक ऐसी चीज है जो कि आपकी मेकअप को फ्लॉलेस दिखानी है, तो आपको जो है टाइम देके जो है आप उसको अच्छे से ब्लेंड कीजिए। उसके बाद हम अप्लाई करेंगे कंसीलर, जो कि मेबलिन फिट मी की कंसीलर में अप्लाई कर रही हूँ। एंड मुझे थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे डार्क सर्कल है एंड माउथ के अराउंड भी थोड़ा सा डार्कनेस है, तो उसको हाइड करने के लिए हम अप्लाई करेंगे। जैसे हम अप्लाई करेंगे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से जो है मैं यहाँ पे ब्लेंड कर दूंगी। उसको ब्लेंड कर सकते हो अगर आपको ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छा नहीं लगता है, तो हाथ से भी जो है बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाती है। हमारा फाउंडेशन एंड कंसीलर अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। अभी जो टाइम है पूरे फेस एंड नेक में जहां भी आपने लिक्विड प्रोडक्ट आपने अप्लाई किया था उसको सेट करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं यहाँ पे फिट मी की, जो कि मेबलिन फिट मी की, मैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट यूज कर रहा हूँ। आप चाहो तो लूज पाउडर की यूज कर सकते हो। उसकी हेल्प से जो है जहां जहां हमने लगाया था, अप्लाई किया था फाउंडेशन, आपको जो है ऐसे उसके बाद हम करेंगे हमारी आई मेकअप। तो उसके लिए मैं ये वाले पैलेट यूज कर रही हूँ, जो कि ये माइक लम्प से ही है। तो यहाँ से मैं एक ब्राउन शेड पिक करूंगी, ये मैट में, ये जो ऊपर वाला है सब कुछ मैट है एंड ये सिमरिक शेड है, तो ये उसको लेके मेरे पूरे आईलिड में अप्लाई कर दूंगी सेम कलर को। ये जो आई मेकअप मैं आपके साथ शेयर करूँ, बहुत ही इजी ब्रीजी सा मेकअप है ये। आपको जो है सिंपली प्लेस करनी है, ऐसे करके प्लेस करनी है, देन उसको ब्लेंड करनी है। उसके बाद सेम पैलेट से एक सिमरी काइंड ऑफ कलर जो है ये काइंड ऑफ ये वाले कलर को थोड़ा सा फिंगर की हेल्प से लेंगे। जस्ट यहाँ पे ही हम आपको साइन ऐड करने के लिए थोड़ा ऐसे ही अप्लाई कर देंगे। आई शैडो अभी डन, उसके बाद हम अप्लाई करेंगे हमारी आईलाइनर। तो मैं यहाँ पे लैक्मे इंस्टा लाइनर में अप्लाई करूंगी, जो कि ये ब्लू एंड ब्लैक दोनों को मिला के ही मैं आज अप्लाई करने वाली हूँ, क्योंकि मेरी ड्रेस जो है वो ब्लू एंड ब्लैक मिक्स कलर में ही है। तो मैंने सोचा है कि इस दोनों को मिला के कुछ अच्छा सा जो है आईलाइनर ड्रॉ किया जाए। तो जल्दी से
तो मैं यहाँ पे फर्स्ट ब्लू लाइनर को लेके इनर कॉर्नर से मिडिल तक लेके आऊंगी। तो जैसे बहुत ही ब्राइट कलर है, जो कि बहुत ज्यादा प्यारा कलर है ब्लू। कुछ ऐसे लेके आनी है मिडिल तक, थोड़ा सा इनर कॉर्नर से जाएंगे। अभी तो वैसे कुछ पता नहीं चलेगा, पहले मैं दूसरा लाइनर जो है ब्लैक कलर अप्लाई करने वाली हूँ। देन हम क्या करेंगे, तो कि हमारी आईलाइनर जो है वो ऑलरेडी ड्रॉ हो चुका है अच्छे से। आईलाइनर जो है उसको ड्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगती है, तो पहले उसको अच्छे से ड्राई होने देंगे, फिर हम नेक्स्ट आईज में अप्लाई करेंगे लाइनर। तो अभी हमारा डन हो चुका है हमारी आईलाइनर, एंड ये है लैक्मी आइकॉनिक जो काजल है, जो कि ब्लू काजल है। अब इसको हम अप्लाई करेंगे हमारी लोअर वाटर लाइन में। आई लुक फिलहाल कुछ ऐसे दिख रहा है अभी। उसके बाद अभी मैं अप्लाई करूंगी मस्कारा, तो ये है मेबलिन की मस्कारा है ये। तो अभी अप्लाई करते थे हमारी लैशेस में, जो कि अपर लैशेस और लोअर लैशेस बोथ में हम अप्लाई करेंगे। अभी हमारी आई मेकअप डन हो चुका है, उसके बाद तो मैं अप्लाई करूंगी मेरी आई ब्रो को फिल करने वाली हूँ। तो ये ब्लू हेवन का है, पहले हमारी जो आईब्रोज को फिर थोड़ा सा कॉम कर लेंगे, देन हम उसको फिल करेंगे। जैसे सेफ है वैसे रखनी है, थोड़ा सा मुझे जहां जहां गैप लग रहा है कि यहाँ पे मेरी गैप है, बस उसको को ही मैं फिल कर रही हूँ, क्योंकि मेरी आईब्रो जो है बहुत ज्यादा थिक नहीं है कि बहुत ज्यादा थिन नहीं है, ऐसा नहीं, बट थोड़ा बहुत जो है गैप तो है। बट मुझे जो है आईब्रो बहुत, जिनकी बहुत ज़्यादा थिक है ना, तो लू पॉइंट्स काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, बट मेरी आईब्रो जो है बहुत ज़्यादा थिक नहीं है एंड बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं है। बट अभी जो है आईब्रो सेव करके आई हूँ, तो ये लिटिल बिट जो है ऐसे दिख रहा है, मतलब थोड़ा सा पतला हो गया है, इसकी वजह से लुक थोड़ा ऐसा दिख रहा है। थोड़ा सा थिक रहे ना तो मेरे ख्याल से आईब्रो अच्छी लगती है, तो सबकी अपनी अपनी पसंद है, बट मुझे थोड़ा थिक आईब्रो जो है बस अच्छा लगता है। ये माइग्लम की जो पैलेट है, इसमें से मैंने ये वाले कलर को पिक किया है। तो देखते हैं उसको ब्लश की तरह हम अप्लाई करते हैं हमारी चीक में, तो देखते हैं कैसे लगता है। ये लिटिल बिट पिंक तो नहीं है, पर्पल काइंड ऑफ है, तो कैसा लगता है। तो इसको जो है ब्लश हमेशा जो है आपकी हाई चीक बोन्स में ही अप्लाई किया जाता है। तो जैसे आप चाहो तो आपकी अपलव चीक में भी अप्लाई कर सकते हो, दोनों ही सही है। तो मुझे थोड़ा सा साफ दिखती है आपकी फेस जो है, मुझे ऐसा लगता है, तो मैं हाई चीक बोन में अभी जो है लगाना ज़्यादा प्रिफर करती हूँ, कुछ ज़्यादा लग रहा है मेरे ख्याल से। उसको थोड़ा सा ब्लेंड कर देंगे, तो ये थोड़ा सा आई थिंक ये वाला सही है, बट ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, तो उसको अच्छे से जो है ब्लेंड कर लेते हैं थोड़ा। उसके बाद मैं कंटूरिंग नहीं करने वाली हूँ मेरे फेस की, मैं थोड़ा सा जो है यहाँ पे इस सेम पैलेट से कुछ ब्राउन सेड को थोड़ा सा पिक कर लूँगी, एंड मेरी थोड़ा सा जो है नोज़ की कंटूरिंग मैं यहाँ पे करने वाली हूँ ओनली। थोड़ा सा हाथ से भी हम जो है उसको ब्लेंड कर देंगे यहाँ पे। अभी मेकअप आई थिंक ऑलमोस्ट डन, थोड़ा सा बाकी है, जो कि थोड़ा सा हाइलाइटर अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं ये वाले कलर को पिक करती हूँ। ये एक ही पैलेट में काफ़ी सारे मेकअप जो है मेरा हो गया। तो फर्स्ट नोज की थोड़ा सा ब्रिज ऑफ द नोज थोड़ा हल्का को थोड़ा सा लेके हैंड्स में, अपने फिंगर टिप्स में लेके थोड़ा सा हम यहाँ अप्लाई कर लेंगे, जो है फिक्स कर लेती हूँ। ये है सिव्स ब्यूटी की मेकअप फिक्स कर की हेल्प से मैं फिक्स कर लूँगी अपनी मेकअप को।
हम अप्लाई करेंगे लिपस्टिक। लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पे NYY की ये लिपस्टिक ले रही हूँ, जो कि मेरे ड्रेस में एक्चुअली रेड है। लिपस्टिक लगा सकती हूँ, बट रेड फिलहाल मुझे नहीं लग रहा है, कुछ ज़्यादा ओवर हो जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन आईज जो है थोड़ा सा बोल्ड लग रहा है, तो ये इसलिए मैं ये वाले लिपस्टिक ले रही हूँ। ये थोड़ा सा न्यूड ब्राउन ऐसे कलर में है। ओके, अभी जो है मेकअप डन। अभी उसके बाद मैं थोड़ा सा और कुछ करने वाली हूँ, थोड़ा सा ये हाइलाइटर और लेंगे, देन हमारे यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो थोड़ा सा यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये वाले पार्ट जो है थोड़ा साइनी लगता है तो अच्छा लगता है। अभी जो है मैं आपको कंप्लीट आउटफिट दिखाऊंगी, उससे पहले मैं दिखाती हूँ क्या क्या एक्सेसरीज मैं पहनने वाली हूँ इस ड्रेस के साथ। अभी जो है समर चल रहा है, समर में कहीं भी जाओ परफ्यूम डियो जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये ड्रेस की जो नेक है थोड़ा सा डीप है, तो इस टाइप की नेक के साथ इस टाइप की अगर आप पहनते हो नेकलेस तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड आप चाहो तो कोई भी टॉप हो, थोड़ा सा नेक डीप है, इस टाइप की ड्रेस हो, तो इसमें जो है इस टाइप की ज्वेलरी आप पहन सकते हो, काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगती है। इस टाइप की नेकलेस अगर आप पहनते हो तो आप जो है इयररिंग्स जो है स्किप कर सकते हो, या फिर इस टाइप की इयररिंग्स जो है आप पहन सकते हो एंड नेकलेस जो है स्किप कर सकते हो, जो भी डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप बोथ पहनना चाहते हो तो भी पहन सकते हो, बट ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से जो है अगर आप नेकलेस पहन के उसको स्किप करोगे तो अच्छा लगेगा, या फिर आप जो है छोटे छोटे स्टड्स अगर पहनोगे तो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं जो है कोई इयररिंग्स यहाँ पे नहीं पहनने वाली हूँ, मैं लुक को जो है ऐसा रखने वाली हूँ, मैं ओनली ये रिंग्स जो है पहन रही हूँ। उसके बाद आप कुछ वॉच पहन सकते हो, या ओनली स्क्रंचेस जो है आप पहन सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। या फिर बोथ हैंड आप खाली रख सकते हो, या फिर वॉच पहन सकते हो एक हैंड पे, तो ये स्क्रंचेस जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, काफ़ी मॉडर्न लुक देती है, तो वो आप पहन सकते हो, जो आपको पसंद है वो आप कर सकते हो। उसके बाद डेट नाइट हो या फिर कोई स्पेशल डे हो, छोटी छोटी चीज़ें जो है आपको ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे हमारी हेयर है, नॉर्मल अगर आप हेयर को कर्ल करना चाहते हो तो कर सकते हो, या फिर थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगे कोई भी कुछ भी आप करते हो, जैसे थोड़ा सा या फिर बहुत ज़्यादा आप आयरन नहीं करना चाहते हो, स्ट्रेटनिंग नहीं करना चाहते हो, तो थोड़ा सा भी हो जैसे स्ट्रेट कर लो तो लुक काफ़ी जो है अच्छा आता है, नॉर्मल वैसे हेयर में अच्छा नहीं लगता है। तो थोड़ा सा कुछ अपनी हेयर में थोड़ा सा कर्ल कर सकते हो, थोड़ा स्ट्रेट कर लो, जो भी आपको पसंद है वैसे आप कर सकते हो। उसके साथ साथ आपकी हैंड्स जो है वैक्सिंग आप डेफिनेटली कर लो, वैक्सिंग कर लो तो अच्छा लगता है, हैंड्स हो लेग्स हो आप वैक्सिंग कर सकते हो, तो कि थोड़ा सा जो है आपके स्पेशल डे में जो है अच्छा दिखे आपका हैंड्स हो लेग्स हो अच्छा दिखे सेक्सी लगे। तो आपकी हैंड्स में जो आप जाते हो तो हैंड्स में डेफिनेटली जो है आप लोशन वगैरह लगाओ, या फिर बॉडी ऑयल कुछ भी लगाओ जो कि थोड़ा सा साइन करे, ऐसे नहीं कि ड्राई दिखे जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो वैसे आप कर सकते हो। जो है प्रॉपरली कट हो एंड उसमें जो है नेल पॉलिश लगा हुआ हो जो कि, या फिर नेल एक्सटेंशन, वो तो अलग बात है, जो अगर करना चाहते हो तो डेफिनेटली वो कर सकते हो, या फिर नॉर्मल आपके नेल्स है तो ऐसे नहीं कि कुछ नेल्स में नेल पॉलिश लगा हुआ है कुछ छूट गया है तो वो बहुत ऑकवर्ड दिखता है, वो अच्छा नहीं दिखता है। तो प्रॉपर हर चीज प्रॉपर हो तब आपकी लुक भी ऑब्वियसली अच्छा ही आएगा। इस टाइप की जो ड्रेस है उसके साथ आप स्नीकर्स पहन सकते हो, हाई हील भी पहन सकते हो, ब्लॉक हील्स पहन सकते हो। मैं हाई हील में कंफर्टेबल नहीं हूँ एंड ब्लॉक हील मुझे काफी कंफर्टेबल लगती है। एंड ये ड्रेस मैंने ली थी फ्लिपकार्ट से, उसकी हॉल वीडियो ऑलरेडी मैंने शेयर की है, अगर नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हो। इस टाइप की जो ड्रेस है बहुत ज़्यादा अभी जो है ट्रेंडी है, काफ़ी कंफर्टेबल है एंड समर आउटफिट पेट है, तो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश भी दिखाती है, तो डेफिनेटली आप इस टाइप की ड्रेस में इन्वेस्ट कर सकते हो एंड इसके साथ जो है आप बहुत ज़्यादा स्टाइलिश दिखने वाले हो। एंड ये है मेरी जो है फाइनल फिनिश लुक। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिए, शेयर कर अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। उसके साथ साथ अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किए हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, मेरी हैंडल जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर इंस्टाग्राम में आप स्वाति स्टाइल अगर करें जो टाइप करेंगे तो मेरी पेज ओपन हो जाएगी, तो आप वहां पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारी रील जो है वहां पे मैं शेयर करती हूँ, तो फॉलो करिए मेरे इंस्टाग्राम में, अनसब्सक्राइब कर दीजिए मेरी यूट्यूब चैनल को। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज बाय।